Hi, this is Shah Faisal from Team Mast, and today we are going to discuss the singleton pattern. So, apni pichli video mein humne singleton pattern se start kiya tha, but we have deviated to the another pattern like dependency injection and why do we need design patterns. So, is video mein hum completely focus karenge singleton pattern pe. So, what is singleton pattern? So, last video basically we covered what is loosely coupling and tightly coupling, and why should our application be loosely coupled, and other stuff as well. So basically this video would be definitely covering the core singleton pattern. Yeah, definitely. Okay. So we'll try not to deviate this time. So let's try to understand what is singleton pattern, and after that we will try to understand why do we need singleton pattern. So singleton pattern mein hum ये करते हैं कि हमारी जो भी क्लास है उसका थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो सकता है, एक बार इंस्टेंशिएट हो और उसके बाद वो दोबारा इंस्टेंशिएशन ना हो उस क्लास. बेसिकली सिंगलटन पैटर्न इज सिंगल क्रिएटिंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट थ्रू आउट आवर एप्लीकेशन एंड यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द एप्लीकेशन. यस, क्योंकि देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स कि हमें उनको सेवरल टाइम्स क्रिएशन की जरूरत होती है. कि सपोज हमारा एम्प्लॉय क्लास है तो एक एम्प्लॉय की जरूरत हो सकती है हमें, देन देयर विल बी अनदर एम्प्लॉय, देन अनदर एम्प्लॉय. सो इट इज ओपन फॉर एज मेनी एज ऑब्जेक्ट एज रिक्वायर्ड. बट कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली जरूरत नहीं है. वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं वी विल डिस्कस लेटर. बट अगर हमें इसकी जरूरत आती है कि हम कैसे एक ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हम अचीव कर पाए क्लास से कि वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, तो उसको कैसे अचीव करेंगे. मतलब कहीं किसी भी एक एप्लीकेशन में अगर हमें मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है तो हम वी गो फॉर सिंगलटन पैटर्न. क्योंकि उस केस में ये होता है हर बार, जैसे हर बार ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी एलोकेशन होगी, मेमोरी यूसेज होगी और वो वेस्ट होगी. अगर हमारा काम एक ही ऑब्जेक्ट से चल सकता है सो वाई गो फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप, जब उनके बीच में कोई डिफरेंस भी एज इट इज नहीं है कोई. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि द फर्स्ट थिंग आई कैन थिंक ऑफ कि आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हाउ डू यू क्रिएट ऑब्जेक्ट, बाई कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर विद न्यू कीवर्ड. सो अगर मुझे किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है सो आई विल राइट न्यू क्लास नेम एंड पैरेंथेसिस दैट इज कंस्ट्रक्टर, और हमारा ऑब्जेक्ट एक नया ऑब्जेक्ट तैयार होगा और मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा. और अब हम इसको कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. सो हमने क्लास के बाहर, ऑब्वियसली हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट सपोज दूसरी क्लास में बना रहे हैं तो वो जो मेथड है वो ऑब्वियसली पब्लिक रहा होगा, दैट इज द कंस्ट्रक्टर वाज पब्लिक, इसीलिए हम उसको वो एक्सेसिबल था किसी दूसरी क्लास में, आउट ऑफ द क्लास वो एक्सेसिबल था. सो अगर हम अपने कंस्ट्रक्टर को पब्लिक रखते हैं so anyone can call on it with new keyword और एक नया ऑब्जेक्ट बना सकता है. supposingly हमारी एक employee क्लास थी और हमने उसको हमारी main क्लास में यूज करना था, तो we create an object of that employee class. that too was possible because हमारा constructor public था employee class का, तो हमने हम object create कर पाए अपने main क्लास में using the new constructor. exactly. तो अब हम अगर ये नहीं चाहते हैं तो हमें अपने constructor को private करना पड़ेगा, तो फिर तो एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. सो व्हाई डू यू से कि एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास, बट वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट इनसाइड द दैट क्लास. प्राइवेट है तो वी कैन यूज दैट इनसाइड, प्राइवेट है कंस्ट्रक्टर तो हम उसको सिर्फ उस क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट मेंबर को. तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो हम उसे क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं. अब हम उसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए कैसे यूज करें, क्योंकि जब तक उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे. हम अगर ऑब्जेक्ट बन भी जाता है तो हम एक पब्लिक मेथड बनाते हैं उसी क्लास के अंदर जो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करे और चेक करे कि क्या कोई ऑब्जेक्ट पहले से इंस्टेंशिएटेड है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पब्लिक मेथड बनाएंगे. सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी रखेंगे. अगर हमारा हमारी क्लास थी ए तो हम उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी रखेंगे ए. कैन यू एक्सप्लेन दैट ऑन बोर्ड इफ पॉसिबल, बिकॉज़ दैट वुड बी. या श्योर. तो सबसे पहले हम इसको
सपोज हमारी एक क्लास है ए जिसको हमें सिंगलटन बनाना है, ओके, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो भी चीजें एट द टाइम रिक्वायर होंगी हम उनको ऐड करते जाएंगे। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट्स जस्ट से अभी हम ले रहे हैं एक इसी टाइप का रेफरेंस ले रहे हैं ए इसी क्लास के अंदर। पहले यू सेड दैट वी क्रिएट अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, यस वी विल, बट एक ऑब्जेक्ट को भी हमें होल्ड करना है, तो सपोज हम इसको इनिशियली नल से इनिशियलाइज कर देते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। आपने वैसे ये ए टाइप का क्यों लिया? क्योंकि हमें इसी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वी विल बी होल्डिंग इन दिस रेफरेंस, उस ऑब्जेक्ट को हमें होल्ड करने के लिए कोई रेफरेंस चाहिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्लास से बाहर नहीं बन रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट इसी क्लास के अंदर बन रहा है, तो उसका रेफरेंस भी इसी के अंदर रखना पड़ेगा। अब दूसरा काम था कि हमने अपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया ताकि कोई और क्लास इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना सके। सो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर है तो इसका कोई टाइप रिटर्न टाइप नहीं होगा, अब हमने इसको प्राइवेट दे दिया। अब ये कंस्ट्रक्टर इसी क्लास के अंदर से कॉल होगा, तो हम सपोज एक और पब्लिक मेथड बनाते हैं, get object of a। अब इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि इफ a equals null तो ये रिटर्न कर दे a। अब हम रिटर्न कर रहे हैं तो, लेकिन हमने यहां पे मिस कर दिया रिटर्न टाइप, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? ये रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है किस टाइप का? ए टाइप का, तो इसका रिटर्न टाइप होगा ए। ओके, सो यहां स्पेस नहीं है तो एडजस्ट दिस, सो रिटर्न ए। अगर मुझे लगता है मैंने यहां कुछ गलत कर दिया, अगर नल है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ए, बिल्कुल ए इक्वल्स न्यू ए, और हम क्लास के अंदर ही हैं तो हम इसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं और इसको रिटर्न कर देते हैं। ओके, सो फर्स्ट टाइम जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसका रेफरेंस ए में आ जाएगा और हम उसी को रिटर्न कर देंगे। अब सपोज हम दूसरे टाइम इसको इसी मेथड को एक्सेस करते हैं गेट ऑब्जेक्ट ऑफ ए, तो उस केस में क्या होगा कि वो चेक करेगा, क्योंकि हम एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं उसके अंदर रेफरेंस आ चुका है, तो हमें दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और हम सेम रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी क्लास के मेथड को एक्सेस करेंगे उसके ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा इसकी कॉल के बाद, बिल्कुल, तो हम किसी भी मेथड को अगर हमें एक्सेस करना है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम उसको स्टैटिक रखें, तो यहाँ पे हमारा इसमें चेंजेस हो जाएगा। So, कि स्टैटिक क्लास के फंक्शंस आप क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, तो पब्लिक स्टैटिक और उसका टाइप ए है जैसे पहले था, तो वो स्टैटिक होगा, वो मेथड स्टैटिक होगा गेट ऑब्जेक्ट ऑफ ए, तो कहीं भी हम आउटसाइड द क्लास हम इस मेथड को कॉल करेंगे और ये मेथड हमारा वैलिडेट करेगा कि क्या ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसमें रेफरेंस देगा और उसको रिटर्न कर देगा, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और सेकंड टाइम या थर्ड टाइम कभी भी कॉल होगा तो वो चेक करेगा, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा तो वो नल इक्वल नहीं होगा, उस केस में हमारा वो प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो भी इस रेफरेंस करा होगा उसको रिटर्न कर देगा। अब एक और ड्रॉबैक जो अभी तक इस प्रोग्राम में है, हमारा गेट ऑब्जेक्ट ऑफ ए जो हमें सिंगलटन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है वो स्टैटिक है, और हम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से नॉन स्टैटिक मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते। ए इज नॉन स्टैटिक, ए नॉन स्टैटिक है और जिस मेथड के अंदर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं वो स्टैटिक है, तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, इट विल गिव कंपाइल टाइम एरर। सो उसको हटाने के लिए दो ऑप्शन दो तरीके हैं, या तो हम यहां से स्टैटिक यूज ना करें, बट इन दैट केस हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीका है जो दूसरा ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन कि हम इसको स्टैटिक बनाते हैं, सो दिस विल बी
private static a type of a. So हमारा data member जो object को hold कर रहा है of the same type, a type का जो reference है वो भी static होना चाहिए. और इस केस में तो सपोज एक मेन क्लास थी हमारी, उसमें हमें अब कॉल करना था, मतलब अब हम आपने ये एक क्लास सिंगलटन क्लास बना दी, ठीक है. और अब सपोज हमारी एक मेन टेस्ट क्लास है, उस टेस्ट क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड है, और मेन मेथड के अंदर मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ. सो कि उसको कैसे अचीव करूंगा मैं, ए डॉट हम एक का सपोज कोई रेफरेंस बनाते हैं ए, और उसके अंदर हम अब हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम ये परमिसिबल कीप द नेम डिफरेंट सो दैट इट्स यू नो सपोज ये है ए वन, ओके, तो हम ये यहाँ पे परमिसिबल नहीं है. सो क्योंकि वहां पर वो कंस्ट्रक्टर उसका प्राइवेट है. सो इसको हम ऐसे अचीव करेंगे कि ए वन इज इक्वल टू ए डॉट गेट ऑब्जेक्ट ऑफ ए. तो ए वन के अंदर फैसल लाइन सो दैट डिफरेंशिएट फ्रॉम द अदर क्लास. सो यहां पर अब होगा क्या कि ये फर्स्ट टाइम सपोज हम यहां से कॉल कर रहे हैं, तो वो इस मेथड के पास आएगा और यहां पर चेक करेगा क्योंकि ए इनिशियली नल होगा, तो वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इसमें रेफरेंस देगा और उस रेफरेंस को इसको रिटर्न कर देगा. तो हमारा एक नया ऑब्जेक्ट है. अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं A2. तो ए डॉट गेट ऑब्जेक्ट ऑफ ए. जब हम दूसरी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो चेक करेगा कि ए नल है कि नहीं है, बट ए में पहले ही रेफरेंस जा चुका है इस कॉल की वजह से, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, इंस्टेड वो ये जो पहला रेफरेंस है उसी को रिटर्न कर देगा. तो हमारा ए वन और ए दोनों सेम ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहे होंगे. एक और चीज अगर आपने नोट करी हो कि जब तक हमने पहली बार इस मेथड को कॉल नहीं किया था तब तक ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं हुआ था. अगर हम इसको कॉल नहीं करते हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट कभी क्रिएट नहीं होगा. जब हम हमारे कोड में ये मेथड कॉल होगा तब फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. ठीक है, ये बात सिंगलटन. तो इससे दिस वाज द बेसिक वे, है ना. सो दिस इज द बेसिक वे कॉल्ड द लेजी इंस्टेंशिएशन ऑफ सिंगलटन पैटर्न. व्हाई लेजी? व्हाई लेजी? बिकॉज़ अनलेस एंड अंटिल फर्स्ट टाइम यू कॉल द मेथड, नो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, जब हम पहली बार मेथड कॉल करते हैं तो तभी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है. अब दूसरा तरीका ये है कि हमारा जैसे ही ये क्लास लोड हो, क्लास ए लोड होती है, चाहे इसका मेथड कॉल हुआ हो, गेट ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉल हो या ना हो, एटलीस्ट वो एक ऑब्जेक्ट रेडी रखे. सो जब भी वो उसको कॉल किया जाए तो वो उसको रिटर्न कर दे सिंगल, एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट वो पहले से क्रिएट करके रखे. वैसे किस केस में यूजफुल हुआ, मतलब यूजफुल है कि अगर एज ए सिनेरियो, तो हम बाद में देखेंगे कि कैसे यूजफुल है. सो अभी के लिए हम देखते हैं कि तो ये कैसे चेक कर सकते हैं. वैसे तो ये हमारा लेजी इंस्टेंशिएशन था, ठीक है, ऑफ सिंगलटन. सो अब हम आते हैं अर्ली इंस्टेंशिएशन पे. तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेम बहुत माइनर डिफरेंस के साथ, इनिशियली हमने अपने ऑब्जेक्ट को नल लिया हुआ था, तो यहाँ पे हम उसको नल ना लेके यही पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं. तो एट द टाइम क्लास लोड्स, जब भी क्लास लोड होगी इसके अंदर एक रेफरेंस चला जाएगा एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है. तो एक पहली बार तो बन गया उसका ऑब्जेक्ट, पहली बार ऑब्जेक्ट बन जाएगा और फिर हमें इस कंडीशन की जरूरत नहीं रहेगी. तो कभी भी हमारा मेथड कॉल होता है, वी सिंपली रिटर्न ए, हम सिर्फ एक ए को रिटर्न कर देंगे और क्लास एक ही बार लोड होगी. जब हमारा प्रोजेक्ट अप होगा तब एक ही बार क्लास लोड होगी, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, वो सिंपली हर बार इसको रिटर्न करता रहेगा और वही वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करता रहेगा और वही ऑब्जेक्ट. तो जब आपने इसको कॉल किया है कि नहीं किया, ये ऑब्जेक्ट पहले ही बन गया लोडिंग टाइम पे. सो दैट्स अर्ली इंस्टेंशिएशन. अर्ली इंस्टेंशिएशन, ओके. सो अगर किसी केस में हम चाहते हैं कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट यूज हो तभी ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो, तो उस केस में हम
लेज़ इंस्टेंशन यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज हम अर्ली इंस्टेंशन की हमारे ऑब्जेक्ट्स रेडी रहे जब ही हमें यूज करना हो, वी कैन यूज दैट, बट उससे पहले ही वो क्रिएशन हो चुका हो एट द रन टाइम, एट द इनिशियलाइजेशन टाइम वो जो ऑब्जेक्ट है क्रिएट हो चुका है, वी जस्ट नीड टू रिटर्न दिस, तो उस केस में हम अर्ली इंस्टेंशन यूज करते हैं. सो दिस वीडियो कवर्ड द बेसिक, so this video cover the basics of the singleton pattern, कि हम singleton pattern कैसे create करते हैं. दो types हम singleton pattern create करते हैं, one is the lazy instantiation and another one is early instantiation. So एक practical scenario की अगर हम बात करें कि ये pattern कहाँ use होता है, so those of you who have worked on a spring framework in java development, सो वहाँ पर हम बीन्स क्रिएट करते हैं, तो बीन्स सिंगलटन होती हैं, कि अगर हमने एक टाइप की बीन क्रिएट कर ली है तो वो दोबारा क्रिएट नहीं होगी थ्रू आउट हमारे थ्रू आउट एप्लीकेशन, वो रीयूज होती रहेगी. सो हम बीन किस किस लेयर पे, सपोज वेब लेयर पे हम हेल्पर की बीन क्रिएट करते हैं, बिजनेस लेयर पे हम जो सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है उसकी बीन क्रिएट करते हैं, और डेटा लेयर पे हम सपोज जो डाउ लेयर है उसकी बीन क्रिएट करते हैं. तो वहां पर उनका क्योंकि कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, वो कोई स्पेसिफिक डेटा को होल्ड नहीं करते हैं, तो हम वहां पर सिंगलटन पैटर्न यूज करते हैं. तो स्प्रिंग इटसेल्फ यूजेस सिंगलटन पैटर्न, इट यूजेस अ लॉट ऑफ पैटर्न, डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैटर्न, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, एंड नाउ द सिंगलटन पैटर्न भी यूज होता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में. सो सिंगलटन पैटर्न वाज वन यूज केस ऑफ सिंगलटन. हाँ, ये एक्चुअली में वन यूज केस है सिंगलटन पैटर्न का. सो देर आर फ्यू मोर थिंग्स कि सिंगलटन पैटर्न सिंगल ऑब्जेक्ट है तो थ्रेड सेफ है कि नहीं है, एंड देर आर मेनी मोर क्वेश्चन, बट दिस वॉज फॉर द बेसिक. ट्राई टू कवर दिस इन अनदर वीडियो. So, if you like this, please share and comment the video, and thank you for watching. In case you have any kind of queries, you can always reach us via the comment section below, and we'll try to answer each one of your queries. So, hope you loved this video. This was Shah Faisal, who represented as the lecturer, and he tried to explain you in the easiest way possible. Thanks for watching. Okay, see you guys. Till then, we must and keep rocking. Bye-bye. Bye-bye.